जो घटना स्थल है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जिसको हम कहते हैं, वहां पर हम लोगों ने जाकर के जो दृश्य देखा वो मर्माहत करने वाली थी। और वो जिस गांव में महादलितों के पूर्वज बाप दादा पार पर दादा छकड़ दादा खकड़ दादा तक 179 वर्ष से वहां लोग निवास करते थे, उन्होंने अपनी दर्द को व्यक्त किया, अपनी दर्द को व्यक्त किया वहां पर। और उन्होंने जो बताया वो बड़ा मार्मिक, रात का समय एक समाज भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभव पर विश्वास करती है, लेकिन वहां की घटनाओं के मैं उल्लेख कर रहा हूं कि एक समाज के द्वारा महादलित परिवार जिसको कह सकते हैं 15 घर 50 परिवार के एक व्यक्ति श्री जितेंद्र नामक महादलित को बुला करके और कहा कि तुम 1 घंटे के अंदर घर को खाली करो। लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हमारे बाप दादा परदादा सब लोग हमारे घर के रिश्तेदार सब यही रहते, हम मजदूरी करते हैं, हम गरीब हैं, निर्धन आदमी है, हम जाएंगे कहां। लेकिन वहां पर अस्त्र और शस्त्र से लैस वहां के महादलित परिवारों को धमकाने का काम किया। और तो और जब वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए, वहां से घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, अपना असियाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना रैन बसेरा छोड़ने को तैयार नहीं, तब वहां के अपराधी प्रवृत्ति के नेतृत्वकर्ता कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां का मुखिया इसरार अहमद, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का सक्रिय नेता है, वहां पर पिछले चुनाव में वहां के उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जिसने अदा की, उस कांग्रेसी कार्यकर्ता के नेतृत्व में घर वहां के बच्चों को अपहरण करने का काम किया। छोटे छोटे बच्चे 2 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चे को, और उन बच्चों को एक साथ एकत्र करके छतरपुर वहां से काफी दूर घनघोर जंगल उस घनघोर जंगल में उन बच्चों को ले जाकर के फेंकने का काम, उस छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे करा रहे थे, उनको चोट आई, इन बच्चों को मैंने स्वयं देखा है, उनके कान के पास नाक के पास माथे के पास चोट लगी। उन बच्चों को किडनैप करके गांवों में से दूर जंगल में ले जाकर के फेंकने, हर मां बाप के लिए सबसे प्यारा और न्यारा होता है उसका बच्चा, हर मां बाप के लिए, और हर मां बाप चाहता है कि दुनिया की सारी चीजें उजड़ जाए लेकिन मेरे बच्चे स्वस्थ और सुखी रहे। बच्चों को खोजने के लिए लोग जंगल की ओर गए और उसी वक्त कांग्रेस का नेता वहां का मुखिया इसरार अहमद के नेतृत्व में वहां के सारे वासिंदे
चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सब मिलकर के जेसीबी के माध्यम से पूरे घरों को नेस्ताबूत करने का काम किया। हमारे कई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि गरीबों की आवाज आपने बनकर के वहां की स्थिति को समाज के बीच में ले जाने का काम किया। वहां का चित्र बहुत भयावह था, पूरे तरह से समतल कर दिए गए थे घर को, समतल ही समतल कर दिया गया था। और वहां पर लोगों की आस्था एक भगवान शिव के ऊपर, भगवान शिव की आराधना करने के लिए छोटा सा मंदिर लोगों ने बनाया था। वह गरीब, वह निर्धन मजदूरी करता था, लेकिन आस्था ईश्वर पर रख करके भगवान शंकर की आराधना करता था। शिवलिंग था, मंदिर था, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया, ध्वस्त करने का काम किया। मैं जाकर देखा वहां पर बेलपत्र, तुलसी और फूल वहां गिरे हुए थे, लेकिन पूरी तरह से मंदिर को समतल करने का काम किया। अपराध किया, सर्वधर्म संभाव के तहत सब आदमी को अपने अपने धर्मों को आराधना करने का अधिकार है या नहीं, पंथ अलग अलग होंगे, लेकिन किसी दूसरे धर्म के प्रति अनादर और दूसरे धर्म के मूर्तियों को तोड़ना, यह समाज को तोड़ना है और यह अपराध जघन्य अपराध है, राष्ट्र विरोधी का। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।